गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई फर्स्ट लेक्चर फॉर क्लास वन एंड टू, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग का हिंदी क्या होता है? लिविंग मतलब होता है सजीव और नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव. कैसे जानेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या है? व्हाट इज लिविंग थिंग्स? अगर कोई कोई चीज पड़ा हुआ है, मान लीजिए एक कलम ही है, तो हम कैसे जानेंगे कि लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? तो फर्स्ट हम जानते हैं कि लिविंग थिंग्स का फीचर क्या है, मतलब लक्षण क्या है. कैसे जानेंगे कि लिविंग थिंग्स में क्या लक्षण होते हैं? तो पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है, लिविंग थिंग्स कैन ईट, ब्रीथ, मूव, फील, ग्रो एंड हैव बेबीज. तो लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है? लिविंग थिंग कर सकता है खा सकता है, सांस ले सकता है, मूव कर सकता है मतलब घूम सकता है, चल फिर सकता है अपने मन से, फील कर सकता है जो भी ठंड कोई भी चीज का एहसास वो फील कर सकता है, सुख है दुख है ठंडा है गर्म है इस चीज को वो फील कर सकता है. ग्रो मतलब वो भोजन करने से बढ़ता भी है और है बेबीज और लिविंग थिंग्स को बच्चे भी होते हैं. तो ये क्लियर हो जाता है कि अगर ये लिविंग थिंग्स कोई चीज होगा तो वो जरूर सांस लेगा, मूव करेगा खुद से, फील करेगा, ग्रो करेगा एंड उनके बच्चे भी होंगे. लेकिन ये जैसे कि पेन है तो ये लिविंग थिंग्स फील ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये ना खा सकता है ना ब्रेक करता है ना मूव करता है ना फील करता है. तो अब ये तो क्लियर हो गया कि ये पेन जो है लिविंग थिंग्स नहीं है. तो अब ये क्या है? तो नॉन लिविंग थिंग्स है. तो नॉन लिविंग थिंग्स, तो फीचर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है? तो डू नॉट ईट, नॉन लिविंग थिंग्स जो है इसको भोजन की आवश्यकता नहीं है जीने के लिए, इस कलम को भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है जीने के लिए. और दे डू नॉट फील, और ये फील भी नहीं करता है, इसे मारिए या पीटिए चीटिए इसे फील नहीं होता है. ये ग्रो नहीं करता है, जितना आकार है इसका ये उसी आकार में रहता है, ये सांस भी नहीं लेता है और ये अपने से मूव भी नहीं करता है. हमने लिख भी दिया है कि दे डू नॉट फील मतलब अनुभव नहीं करता, ग्रो, ब्रेथ एंड मूव ऑन देयर ओन मतलब अपने से मूव नहीं कर सकता है, चल फिर नहीं सकता है. जैसे कि फैन मूव करता है ना, आपने देखा होगा, लेकिन जब स्विच ऑन किया जाता है तभी फैन मूव करता है, अपने से मूव नहीं करता है. तो फैन जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स नहीं है. तो ये क्लियर हो गया आपका कि लिविंग थिंग्स जो है खा सकता है, चल सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है बिना खाए भी जीवित रह सकता है, महसूस नहीं करता है कोई भी चीज, सांस नहीं लेता है और मूव नहीं करता है. तो ये आपको क्लियर हो गया कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है. अब सेकेंड चीज पे आते हैं हम लोग. अब सेकेंड चीज हमने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल क्या होता है? तो लिविंग थिंग्स जो है हम सभी ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स मतलब सभी मनुष्य, इसके बाद चाहे ह्यूमन बींग्स में बॉय हो गर्ल हो एंड पेरेंट्स हो कोई भी हो, वो ह्यूमन बींग्स के अंदर आता है. प्लांट्स, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे भी लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं. एनिमल्स, एनिमल्स को आपने देखा ही है, वो हर जगह मूव करते हैं ग्रो करते हैं, तो एनिमल भी लिविंग थिंग्स हैं. बर्ड्स, पक्षियों को आपने उड़ते हुए देखा है, दाना चुगते हुए देखा है, तो आप कह सकते हैं कि बर्ड्स भी लिविंग थिंग्स हैं. और इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को आपने देखा है कि वो किस प्रकार से उड़ते हैं काटते हैं, तो ये चीजें जो है ये सभी जीव जो है वो लिविंग थिंग्स है. अब हम लोग सेकेंड चीज पे आते हैं, दूसरा क्या है एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स में जितने भी मैन मेड थिंग्स है, चाहे बॉल हो, हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख दिया है, जैसे बॉल, फैन, डॉल, चेयर, बोर्ड, कंप्यूटर, ये सभी क्या है मैन मेड थिंग्स है, क्योंकि बॉल को आपने भोजन करते हुए नहीं देखा है, फैन को खाते हुए नहीं देखा है, डॉल को नहीं देखा है, चेयर को नहीं देखा है, बोर्ड को नहीं देखा है, कंप्यूटर को नहीं देखा है. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके घर में पड़ी है नॉन लिविंग थिंग्स, जो आपसे कभी भोजन नहीं मांगती हैं,
और आपने से मूव भी नहीं करती है, तो ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और इस कुछ नेचुरल चीजें भी हैं जो नॉन लिविंग है, जैसे नेचुरल थिंग्स भी क्या है, सन है, मून है, स्टार है, वाटर है, रिवर है, एयर है, ये सभी क्या है, नेचुरल है बट नॉन लिविंग है। सन को आपने देखा है ना चलते हुए आकाश में, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स है। मून भी नॉन लिविंग थिंग्स है, स्टार भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वाटर जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, और रिवर जिसमें पानी रहता है वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके अलावा आप माउंटेन को भी बोल सकते हैं, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स है। और एयर मतलब हवा होता है और ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। दैट इज क्लियर? सो ओके, थैंक यू।